हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का चैप्टर 1 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों को कौन से मेजर सब्जेक्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मशीन डिज़ाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं मेजर सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। इसके बाद जैसा कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, थर्मल इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है, उसे ज़्यादा डिटेल से समझाया गया है। तो हम लोगों ने पार्ट 2 में थर्मल इंजीनियरिंग के जितने भी लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक लॉज, उनको देखा था, उसे डिस्कस किया था। अब हम लोग अपने पार्ट 3 के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 3 के वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट हमारा एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनर्जी, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होगी अगर उसमें लगातार चेंजेस देखने को हमें मिलता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तो उसे हम लोग एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी अगर इंक्रीज होती जाएगी तो वो सिस्टम के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे। इसी चीज को हमें इस फिगर में दिखाया गया है। इंथैल्पी, इंथैल्पी इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम। ये टोटल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी जो कि किसी सिस्टम में पहले से अवेलेबल है, और बाहर से फिर उसे जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई है। ये दोनों एनर्जी को अगर हम लोग मिला दें तो ये टोटल एनर्जी जो होगी ये इंथैल्पी कहलाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। उसी चीज को यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू दर्शाया गया है, दिखाया गया है। बॉयलर, हमारे फर्स्ट यूनिट का जो सबसे मेजर टॉपिक है वो है बॉयलर टर्बाइन, जिससे कि ज्यादा मार्क्स के नंबर आते हैं। जनरली 6 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं बॉयलर से या टर्बाइन से या फिर पावर प्लांट से। ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अ बॉयलर इज ए क्लोज्ड विसेल इन विच फ्लूइड इज हीटेड। द फ्लूइड डज नॉट नेसेसरली बॉयल, द हीटेड और वेपराइज फ्लूइड एग्जिट द बॉयलर फॉर यूज इन वेरियस प्रोसेस और हीटिंग एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग वाटर हीटिंग, सेंट्रल हीटिंग, बॉयलर बेस्ड पावर जनरेशन, कुकिंग, सैनिटाइजेशन। द सोर्स ऑफ हीट फॉर ए बॉयलर इज कंबशन ऑफ एनी ऑफ द सेवरल फ्यूल सच एज वुड, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। इलेक्ट्रिक स्टीम बॉयलर यूज रेजिस्टेंस और इमर्जन टाइप हीटिंग एलिमेंट, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कभी इलेक्ट्रिक रॉड जो होता है जिससे हम लोग पानी गर्म करते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स लोग। न्यूक्लियर फ्यूजन इज ऑल्सो यूज एज ए हीट सोर्स फॉर जनरेटिंग स्टीम, आइदर डायरेक्टली और इन द मोस्ट केसेस इन स्पेशलाइज्ड हीट एक्सचेंजर कॉल्ड स्टीम जनरेटर। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस हीट एक्सचेंजर को यूज किया जाता है। जो न्यूक्लियर फीजन से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उस एनर्जी को पानी में ट्रांसफर करने के लिए हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है। ये हम लोग बॉयलर का सेटअप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये हमारा नीचे वाला हिस्सा जो है ये फर्नेस है, ये हमारे ट्यूब्स हैं। इस ट्यूब में फ्ल्यू गैसेस या हॉट गैसेस जो है ये फ्लो हो रही है, इसे हम लोग फायर ट्यूब बॉयलर कहेंगे। ये ऊपर में जो है हमारे पानी भरा है जो कि स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद ये आगे जाके इसे टरबाइन में भेजा जा रहा है। टरबाइन से ये जो है जनरेटर को ऑपरेट करने में मदद कर रहा है ये टरबाइन, और फिर ये पानी जो है नीचे चली जा रही है, नीचे फिर फीड पंप के थ्रू जो है इस पानी को वापस भेज दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो है हम लोग देख सकते हैं बॉयलर किस तरह से वर्क करता है। बॉयलर के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, किस आधार पे हम लोग बॉयलर को क्लासिफाई करते हैं? क्लासिफिकेशन बेसिकली किस चीज की वजह से की जाती है किसी भी चीज की, कि हम उस चीज को, उस कंपोनेंट को, उस मशीन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। इसी वजह से हम लोग
किसी भी मशीन को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि आईसी इंजन का भी क्लासिफिकेशन होता है, जो कि मैं आपको अपने आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो बॉयलर का है, वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल है। बॉयलर में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सॉलिड में कोल होता है, लिक्विड में पेट्रोलियम, गैस में सीएनजी। ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब, पाइप ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पाइप में जो है हॉट गैसेस फ्लो हो रही हैं, तो हॉट गैसेस अगर फ्लो होंगे तो इस बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर कहा जाएगा, और वहीं अगर ट्यूब में वाटर फ्लो होगा तो इसे वाटर ट्यूब बॉयलर हम लोग कहेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर, हॉरिजॉन्टल बॉयलर, बॉयलर एंड इंक्लाइंड बॉयलर। तो यहाँ पे ये वाला बॉयलर हम लोग देख पा रहे हैं, ये एक वर्टिकल बॉयलर है। अभी मैं आगे के अपने इसी वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल बॉयलर कैसा होता है, इंक्लाइंड बॉयलर कैसा होता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, हम लोग बॉयलर को मूव करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं। स्टेशनरी बॉयलर, जितने भी हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं जो थर्मल पावर प्लांट में यूज होते हैं, वो स्टेशनरी बॉयलर होते हैं। पोर्टेबल बॉयलर, जो साइज में छोटे बॉयलर होते हैं जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं, उसे पोर्टेबल बॉयलर कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ऑफ बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर एंड लो प्रेशर बॉयलर। मैंने आपको हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में बताना चाहूंगा कि जितना भी थर्मल पावर प्लांट है वहां पे हाई प्रेशर बॉयलर यूज किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में लो प्रेशर बॉयलर यूज करते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टीम जनरेशन, इसकी बेसिस पे हाई कैपेसिटी बॉयलर और लो कैपेसिटी बॉयलर होता है। कितना केजी पर सेकेंड या पर आवर, पर मिनट ये बॉयलर जो है हमारा स्टीम जनरेट कर रहा है, इस बेसिस पे हम लोग बॉयलर की कैपेसिटी को निर्धारित करते हैं, हाई कैपेसिटी बॉयलर एंड लो कैपेसिटी बॉयलर के रूप में। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन ऑफ बॉयलर, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो पानी को सर्कुलेट कराने के लिए किसी भी तरह के पंप का यूज नहीं किया जा रहा है बॉयलर के अंदर में। यहाँ पे जो पंप है ये फीड पंप है, बॉयलर के अंदर में सर्कुलेट नहीं कराया जा रहा है। ये जो है स्टीम में जब बदलेगा तो हल्का हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, भारी जब रहेगा तो ये नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में जब ये रहेगा तो ये नेचुरल सर्कुलेशन है। और अगर हम लोग एक पंप का यूज करें पानी को सर्कुलेट कराने के लिए विद इन बॉयलर, अगर बॉयलर के डिजाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें पंप का सहारा लेना पड़ता है, पंप की मदद लेनी पड़ती है, इसे फोर्स सर्कुलेशन कहते हैं। और पंप के बिना अगर हम लोग पानी को सर्कुलेट करें बॉयलर के अंदर में तो इसे नेचुरल सर्कुलेशन कहते हैं। ये हमारा है फायर ट्यूब बॉयलर, ये कोकरन बॉयलर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्यूब्स है इसके अंदर में फ्लू गैसेस या हॉट गैसेस हैं, और बाहर जो हमें नीला नीला दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, वो हमारा वाटर शो कर रहा है। ये हमारा फर्नेस है, यहाँ पे फर्नेस में कोल कम्बशन हो रहा है, और जिसके से जो फ्लू गैसेस बन रहे हैं वो फ्लू गैसेस इस फायर ट्यूब के थ्रू होते हुए चिमनी से बाहर आ रहे हैं, और इस दौरान ये अपनी हीट को जो है पानी को दे दे रहे हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करता है, तो बॉयलर के अंदर जो पानी है भरी हुई उसका लेवल चेक करने में मदद करता है। यहाँ मैन होल से कोई भी आदमी मेंटेनेंस का काम करने के लिए, साफ सफाई के लिए अंदर जा सकता है। प्रेशर गेज से बॉयलर में जो प्रेशर है उसको, उसकी स्टीम के प्रेशर को नापा जा सकता है। सेफ्टी वाल्व अगर हमारे किसी कारण से जो बॉयलर ऑपरेटर है वो अगर नहीं हो और प्रेशर अंदर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सेफ्टी वाल्व के थ्रू वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। स्टॉप वाल्व को हम लोग कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं। इसकी मदद से हम लोग स्टीम को जहाँ चाहे वहाँ भेज सकते हैं। स्मोक बॉक्स, जब ये हॉट फ्लू गैसेस स्मोक बॉक्स से होते हुए चिमनी से बाहर जाते हैं, इस समय ये कार्बन डिपॉजिट्स जो है भारी जो होते हैं वो यहाँ पे स्मोक बॉक्स में जमा हो जाते हैं। और स्मोक बॉक्स में एक डोर लगा होता है जिसे ओपन करके हम लोग स्मोक बॉक्स की साफ सफाई कर लेते हैं। ओके, ये जो है ब्रिक वॉल है ये क्या कर रहा है, ये इंसुलेशन का काम कर रहा है। दैट मीन्स कि पानी को
सॉरी, ये जो हॉट गैसेस है इसकी हीट को ये बाहर जाने से रोक रहा है, और इस हीट को जो है पानी को ही या वाटर को ही जो है ट्रांसफर किया जा सके, ऐसी अवेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ये हमारा फ्यूजिबल प्लग है। फ्यूजिबल प्लग भी सेफ्टी वाल्व के ही तरह एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर किसी कारण से ऑपरेटर बॉयलर के पास ना हो और हमारा बॉयलर बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाए, ये फ्यूजिबल प्लग जो है ये पिघल जाएगा और पानी जो है ये चला जाएगा फर्नेस में और आग को बुझा देगा। ये फीड चेक वाल्व है, ब्लो ऑफ वाल्व है, पानी को जो है यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। ये एयर इन जो फर्नेस में एयर जाने के लिए जो है, अगर हम लोग किसी भी फ्यूल को जलाएंगे तो उसके लिए एयर भी चाहिए, तो यहाँ से ये एयर जाएगा अंदर। ओके, तो आप फायर ट्यूब बॉयलर या फिर किसी भी बॉयलर की फंक्शनिंग इस फिगर को देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, कोकरन बॉयलर इज अ सिंपल फायर ट्यूब बॉयलर विथ मल्टीपल फायर ट्यूब्स। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ए सिंपल वर्टिकल बॉयलर। इन द कोकरन बॉयलर द हीटिंग सरफेस इज रिप्लेस्ड विथ मल्टीपल फायर ट्यूब्स, दैट्स वाई इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल वर्टिकल बॉयलर। कोकरन बॉयलर हैज ग्रेटर इफिशियंसी कंपेरेटिवली सिंपल वर्टिकल बॉयलर। वी नो दिस इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। इन द ट्यूब हॉट फ्लू गैसेज पास एंड वाटर इज सराउंडेड। वाटर जो है हॉट फ्लू गैसेस के चारों ओर होता है। सो द हॉट फ्लू गैसेस आर पासिंग थ्रू ट्यूब, द हॉटनेस ऑफ द फायर ट्यूब स्टार्ट हीटिंग द सराउंडेड वाटर। द वाटर स्टार्ट इवेपोरेटिंग एंड एट सम पॉइंट इट बिकम स्टीम। तो जैसे जैसे ये जो फायर ट्यूब है इसकी हीट वाटर को ट्रांसफर होती जाती है, एक समय ऐसा आता है जब ये हीट की वजह से पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है और वो बॉयलर के टॉप में जाकर के कलेक्ट कर लिया जाता है, ये जाके जमा हो जाता है। ये है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर में हम लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि जो पानी है वो हमारे ट्यूब्स में है और जो हॉट गैसेस है यहाँ पे फर्नेस है, ये जो एरो दिख रही है ये हमारे हॉट गैसेस की एरो दिख रही है जो कि इस वाटर ट्यूब से होते हुए पास हो रहा है और यहाँ से ये फ्लू गैसेस जो है एयर में चला जाएगा, एटमोसफेयर में चला जाएगा। लेकिन एटमॉस्फेयर में जाने से पहले इसकी जो हॉट गैसेस की जो हीट है वो इन वाटर ट्यूब्स को ये ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पानी होगा उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे ये टैंक है जिसमें कि वाटर स्टीम ड्रम बोलते हैं इसे, जिसमें कि पानी भरा हुआ है। अब ये पानी क्या है कि नीचे आएगा भारी होने के कारण, और जो गर्म पानी है ये ऊपर चला जाएगा हल्का होने के कारण, और इस तरह से धीरे धीरे ये प्रोसेस जब लंबे समय तक जाएगी तो स्टीम जो है ये ऊपर जहाँ पे स्टीम एरिया लिखा हुआ है इस हिस्से में ये कलेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी इसके एसेसरीज है वो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर के ही तरह है, जैसे कि वाटर गैज, प्रेशर गैज, या फिर हम लोग सेफ्टी वॉल्व, कंट्रोल वॉल्व है ना, बाकी सारे जो एक्स्ट्रा एसेसरीज है, मैन होल, वो बिल्कुल ही फायर ट्यूब बॉयलर की तरह है। बस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि ट्यूब्स के अंदर जो है पानी भरी है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये एक इंक्लाइंड बॉयलर भी है। हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्यूब जो है वो इंक्लाइंड है, तिरछी है, और इसे डिजाइन जिन्होंने किया है बैबकॉक एंड विलकॉक्स करके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसे डिजाइन किया है, और इनके ही इस उनके ही नाम पे इस बॉयलर का नाम बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर रखा गया है। ओके, वाटर ट्यूब बॉयलर। ए हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर इज ए टाइप ऑफ बॉयलर इन विच वाटर सर्कुलेट इन ट्यूब हीटिंग एक्सटर्नली बाई द फायर। फ्यूल इज बर्न इन साइड द फर्नेस क्रिएटिंग हॉट गैसेस विच बॉयल वाटर इन द स्टीम जनरेटिंग ट्यूब। इन स्मॉल बॉयलर एडिशनल जनरेटिंग ट्यूब्स आर सेपरेट इन द फर्नेस, वाइल लार्जर यूटिलिटी बॉयलर रिलाई ऑन द वाटर फिल्ड ट्यूब दैट मेक अप द वॉल ऑफ द फर्नेस टू जनरेट स्टीम। ओके, तो आप जो है इसकी वर्किंग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टरबाइन। अब हम लोग देखते हैं टरबाइन। ये देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा स्टीम टरबाइन।
अब ये स्टीम टरबाइन भी जो है बहुत तरह के होते हैं। एक्चुअली दो तरह का टरबाइन होता है हमारा, एक इंपल्स टरबाइन, एक रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में भी बहुत तरह के हैं, फ्रांसिस टरबाइन है, पेल्टन टरबाइन है ना, ये अभी हम लोग देखेंगे सब टरबाइन के बारे में। तो टरबाइन का बेसिकली काम क्या होता है, स्टीम की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है, और टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन जो है जनरेटर को घुमाएगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये एक स्टीम टरबाइन है, ओके, जो आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं। अब देखिए ये रिएक्शन टरबाइन और इंपल्स टरबाइन, ये दो तरह के टरबाइन हैं, ये आप देख पा रहे हो। रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन का नाम जो है उसकी वर्किंग पे ही रखा गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये एक नोजल है इधर लगा और इधर एक नोजल है लगा हुआ, जो कि इस पाइप के साथ मूव कर रहा है। इस नोजल से जब स्टीम प्रेशर के साथ निकलता है तो ये क्या करता है, एक रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जिस डायरेक्शन में स्टीम निकल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये टरबाइन या इसका रनर जो है ये मूव करना शुरू कर देता है। इसी वजह से इसका नाम रिएक्शन टरबाइन रखा गया है। तो इसमें जो नोजल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और वहीं इंपल्स टरबाइन में जो नोजल होता है वो हमारा स्टेशनरी नोजल यूज किया जाता है। अब ये स्टेशनरी नोजल से जो स्टीम निकल रही है प्रेशर के साथ, ये जब इम्पेलर से टकराती है, तो ये जो, या इसे बकेट कहते हैं, इस बकेट से टकराती है, तो ये जो रनर है वो मूव करने लगता है, जिसकी वजह से टर्बाइन भी हमारा मूव करने लगेगा और जनरेटर को घुमाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे रिएक्शन टर्बाइन और इम्पल्स टर्बाइन दोनों के ही फिगर देख सकते हैं एक साथ। यहाँ पे इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन में डिफरेंस बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। ओके, तो इन एन इम्पल्स टर्बाइन द स्टीम फ्लो थ्रू द नोजल एंड स्ट्राइक ऑन द मूविंग ब्लेड, वेयर इन द रिएक्शन टर्बाइन फर्स्ट द स्टीम फ्लो थ्रू द गाइड मैकेनिज्म एंड देन फ्लो थ्रू द मूविंग ब्लेड। तो स्टूडेंट इम्पल्स टर्बाइन में जहाँ पे नोजल जो होता है हमारा वो एक जगह फिक्स होता है, ये देखिए इम्पल्स टर्बाइन में नोजल एक जगह फिक्स है, वहीं रिएक्शन टर्बाइन में नोजल जो है ब्लेड के साथ मूव कर रहा होता है। स्टीम स्ट्राइक ऑन द बकेट विथ काइनेटिक एनर्जी, द स्टीम ग्लाइड ओवर द मूविंग ब्लेड विथ बोथ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू मूविंग ब्लेड इट्स प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट। इम्पल्स टर्बाइन में प्रेशर जो है कॉन्स्टेंट होता है, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू मूविंग ब्लेड इट्स प्रेशर रिड्यूस, द स्टीम मे और मे नॉट बी एडमिटेड टू होल सर्कमफ्रेंस, द स्टीम मस्ट बी एडमिटेड ओवर द होल सर्कमफ्रेंस, द ब्लेड ऑफ इम्पल्स टर्बाइन आर सिमेट्रिकल, द ब्लेड ऑफ रिएक्शन टर्बाइन आर नॉट सिमेट्रिकल, इट इज सुटेबल फॉर लो डिस्चार्ज, इट इज सुटेबल फॉर मीडियम एंड हाई डिस्चार्ज, फॉर द सेम पावर डेवलप द नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड इज लेस, फॉर द सेम पावर डेवलप द नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड इज मोर, इट रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, इट रिक्वायर मोर मेंटेनेंस। पेल्टन टर्बाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स टर्बाइन एंड फ्रांसिस टर्बाइन एंड कैल्पन टर्बाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। ये वाला आप जो है जरूर याद रखिएगा कि फ्रांसिस और कैल्पन टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन का एग्जाम्पल है, और पेल्टन टर्बाइन जो है वो इंपल्स टर्बाइन का एग्जाम्पल है। ओके, थर्मल पावर प्लांट। तो स्टूडेंट ये मैकेनिज्म आपका थर्मल पावर प्लांट का है, लेआउट जो शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे पा रहे हैं कि कन्वेयर के थ्रू कोल को जो है फर्नेस में डाला जा रहा है। यहाँ पे फर्नेस में कोल में आग लगाया गया, जिसकी वजह से ये जो आग है उसने, ये हॉट गैसेस ने जो है क्या किया, बॉयलर को हीट ट्रांसफर की, बॉयलर को हीट ट्रांसफर की, उसके बाद ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम से कन्वर्ट होकर ये टरबाइन में चला गया, बीच में सुपर हीटर भी लगाया गया था। ओके, यहाँ पे इकोनोमाइजर दिखाया जा रहा है, ये टरबाइन में चला गया, टरबाइन में जैसे ही गया टरबाइन के इंपेलर मूव करने लगे, और जिसकी वजह से हमारा जनरेटर मूव करने लगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि टरबाइन से ये कंडेंसर में चला जाता है ये स्टीम, जहाँ पे इसे ठंडा किया जाता है और फिर से इसे पंप करके बॉयलर में भेज दिया जाता है। ये हमारा कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर का यूज जो यहाँ पे कंडेंसर में हमने स्टीम को ठंडा किया है, तो इसकी जो हीट एनर्जी है वो कूलिंग टावर के थ्रू जो है एटमोसफेयर में चला
चली जाती है। कूलिंग टावर का यूज जो है एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है कूलिंग टावर को। ये हमारी चिमनी है, फर्नेस से जो भी धुआं निकलेगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये थर्मल पावर प्लांट का सेटअप आपके सामने है। ए थर्मल पावर स्टेशन इज अ टाइप ऑफ पावर स्टेशन इन विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो साइकिल पे वर्क करता है उसे कहते हैं रैंकिन साइकिल। ये जो है थर्मल पावर प्लांट एक तरह का हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करके ऑपरेट करने वाला पावर स्टेशन है। और यहाँ पे हम लोग जो है एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में डिपेंड नहीं रहते हैं इस पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि जो हमारा सोलर एनर्जी पावर प्लांट होता है या फिर हमारा हाइड्रोलिक पावर प्लांट होता है, इसके लिए हमें इन्वायरमेंट, क्लाइमेट कंडीशंस वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। ओके, ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी एक तरह का थर्मल पावर प्लांट ही है। लेकिन बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें जो हीट एनर्जी हो रही है, पैदा की जा रही है, हम लोग जहाँ देख पा रहे थे कि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में कोल की मदद से। ओके, और यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन करा करके, यूरेनियम जो न्यूक्लियर फ्यूल है हमारा, उसमें न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं हम लोग, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करवाते हैं, जिससे जो हीट एनर्जी बनती है उस हीट एनर्जी से हम लोग स्टीम हीट एक्सचेंजर की मदद से स्टीम जनरेट करते हैं। उस स्टीम को टरबाइन में भेजा जाता है, फिर टरबाइन से जनरेटर चलता है, जनरेटर को ऑपरेट किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी हमें हमारी जनरेट होती है। बाकी की पूरी वर्किंग जो है वो एज थर्मल पावर प्लांट जो है ही होती है। ओके, सिर्फ यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जहाँ पे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कराया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आर ए टाइप ऑफ पावर प्लांट दैट यूज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड द वर्ल्ड विद अराउंड 11% ऑफ इट्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी, विद द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बीइंग द यूनाइटेड स्टेट एंड फ्रांस। तो जितने भी हमारे एडवांस कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, अब क्या है कि यूरेनियम के अलावा, ऐसे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज्यादातर यूरेनियम ही एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाता है, लेकिन थोरियम जो है ये भी, इसमें भी एक पोटेंशियल है कि ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल यूज किया जा सके। इस पे काफी रिसर्च काफी लंबे समय से चल रहा है। अब यह है हमारा हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ये रिन्यूएबल एनर्जी के मदद से जो है इसे ऑपरेट किया जाता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमारे किसी रिवर को पे हम लोग डैम बना देते हैं, या किसी लेक पे डैम बना देते हैं, या फिर किसी झरने पे हम लोग डैम बना करके या रिजर्वायर बना के पानी को रोक देते हैं। फिर गेट एक लगा रहता है, उस गेट को ओपन किया जाता है और फिर इस चैनल के थ्रू पानी को टरबाइन पे भेजा जाता है, जिससे कि टरबाइन रोटेट होने लगेगा। टरबाइन के साथ जो है हमारा जनरेटर फिक्स होता है और जनरेटर मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है। ओके,